हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे थे 7.1 एक्सरसाइज। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, सिक्स्थ रेट सेम ही है, ध्यान रखना। सिक्स्थ नंबर क्या है, y इज इक्वल टू साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन अपने को करके दिखाना है, ठीक है। साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये अपने को करके दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो कैसे करेंगे, तो डिग्री मेजरमेंट का कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसलिए इसको रेडियन मेजरमेंट में चेंज करेंगे। तो 1 डिग्री मैंने आपको बताया था क्या होता है, पाई बाय 180 रेडियन। तो x डिग्री क्या आ जाएगा बताओ, पाई बाय 180 इंटू एक्स, क्या था, क्लियर है। तो मतलब डिग्री मेजरमेंट को पहले मैंने रेडियन मेजरमेंट में चेंज कर दिया, ये डिग्री था, y इक्वल टू आ गया, इस डिग्री को अपने चेंज करके लिख दिया पाई बाय 180 इंटू एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो dy बाय dx आ जाएगा, sin x का तो होता है cos पाई बाय 180 इंटू एक्स, और x के साथ जो भी होगा वो बाहर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ x के साथ 5x है तो 5 बाहर आ जाता है, पाई बाय 180 है तो पाई बाय 180 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, cos x डिग्री और पाई बाय 180 अपने आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट, ठीक है। साइन x डिग्री को पहले किस में चेंज करना है, रेडियन में, किस में चेंज करना है, रेडियन में, और रेडियन में चेंज करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब यहाँ पे आपको sec दे रखा है, तो sec पाई बाय 180 हो जाएगा, sec का क्या होएगा, sec x tan x, तो sec पाई बाय 180 x tan पाई बाय 180 x, और x के साथ जो भी होगा वो बाहर आ जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सिक्स्थ हो जाएगा, सेवन्थ मैं करवा रहा हूँ, एट्थ इसके जैसा, सेवन्थ तो मैंने आपको कल करवा दिया था, एट्थ इसके जैसा है। नाइन्थ देखो, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, लॉग वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, जो सेवन क्वेश्चन कराया था उसके जैसा ही है, वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, ये दे रखा है। इसका डिफरेंशिएशन अपने को करके दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे करोगे, इसको अपने ऐसे लिखते हैं, कोस बना दीजिए इसको ताकि इजी हो जाएगा, लॉग इसको अपने लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, और इसको भी अपने लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। साइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया कोस 90 माइनस थीटा में, ठीक है स्टूडेंट, ताकि ये इजी हो जाए। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा मैंने आपको कल भी बताया था, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, यानी इसका आधा करना है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। नीचे ये होता है 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो आगे, अब साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10। ये इसलिए कर रहा हूं ताकि रूट हट जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और u बाय v भी हट जाए रूट, ये तो फिर u बाय v से काफी बड़ा हो जाता है ये। तो y इक्वल टू आ जाएगा log साइन स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर हो गया, और टेन स्क्वायर का रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है स्टूडेंट, याद है, क्लियर है। अब देखो अपने आगे करने जा रहे हैं लॉग, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, लॉग 10 का क्या होता है 1 अपॉन, ये सारा कहां चला जाएगा अपॉन में, बस u v लगाना है। फिर tan का क्या होता है, tan का क्या करोगे, sec स्क्वायर
और फिर पाई बाय फोर का जीरो और एक्स बाय टू का क्या हो जाएगा माइनस का, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक अपने ने कर लेंगे, बस ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से अपने क्या है इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये आपका नाइन्थ क्वेश्चन था। टेंथ देखिए, आगे साइन कोस में कन्वर्ट करके पूरा परफेक्ट आंसर निकाल सकते हो, तो यहां तक ही क्लियर है, यहां तक भी आप लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन ये है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, ये तो इसको कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। पहले इसमें लॉग एम अपॉन एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या आएगा बताओ, लॉग एम अपॉन है एन होता है एम माइनस लॉग एन। ठीक है, लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला लगा दिया, लॉग एम माइनस लॉग एन। अब देखो आगे, log m माइनस एन लगा दिया, अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन x प्लस log के साथ जो भी होता है वो वन के अपॉन में चला जाता है। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन हो गया वन अपॉन x। अब इसका करेंगे, x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था क्या होता है वन, क्या होता है x का डिफरेंशिएशन वन, रूट का करो, इसका होता है वन अपॉन टू रूट x, क्या होता है टू रूट एक्स। ठीक है, एक्स का कर दिया वन, रूट का कर दिया वन अपॉन टू, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स, और ए स्क्वायर का जीरो, माइनस लॉग ए का भी क्या होएगा जीरो, क्योंकि एक्स अगर कहीं भी नजर नहीं आता तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, क्या होता है जीरो, अगर एक्स कहीं भी नहीं होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आगे, ये एक बार दोबारा देख लीजिए, इसको पहले वन के अपॉन में लिख दिया, फिर एक्स का वन कर दिया, रूट का वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है, ए का जीरो होता है, और माइनस लॉग ए का जीरो हो गया। अब देखो आगे क्या आएगा, बाहर वैसे का वैसे ही, टू से टू कैंसिल, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में अगर एलसीएम ले लेता हूं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में आ गया एक्स, ये वाला सारा इससे क्या हो गया कट। ठीक है, तो बचेगा वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से अपने क्या है लॉग वाले का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका लॉग वाला देखिए, इलेवेंथ नंबर में आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए लॉग का, लॉग एम अपॉन एन होता है लॉग एम माइनस एन, ये आपके इलेवेंथ में था, याद रखिएगा log m upon n होता है log m minus n। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो dy by dx क्या आ जाएगा, ये 1 upon x square plus x plus 1, और x square का होता है 2x और x का होता है 1, minus इसका हो जाएगा 1 upon x square minus x plus 1, x square का होता है 2x और minus x का 1। ठीक है, और वन का होता है जीरो, तो इसको आगे एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो इतना ही कंप्लीट है। ठीक है, यहां तक भी आप कर सकते हो, आगे करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद ट्राई करना है, यू बी डब्ल्यू से होएगा। 30 नंबर देखिए, ए की पावर 10 3x का डिफरेंशिएशन करना है, बहुत इजी सा है। ए की पावर 10 3x तो कैसे करोगे बताओ, ए की पावर x आ गया, ए की पावर x का मैंने बताया था होता है ए की पावर x log a। सबसे पहले तो इसका कर दिया ए की पावर x का, ए की पावर x log a। अब इसका करेंगे 10x का क्या होता है sec square x, और फिर इसका करेंगे 3x का क्या होता है 3। तो ये इसका आंसर आएगा, एक लाइन में इसका आंसर है। यू वी डब्ल्यू लेकर भी कर सकते हो तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। चेन रूल से भी इसको कर सकते हो, विदाउट चेन रूल से भी इसको सीधा कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। 40 नंबर देखो, 15 तो कल करवा ही दिया था, 40 नंबर देखो। y इक्वल टू दे रखा है क्या, log sec x प्लस 10x, इसका डिफरेंशिएशन अपने को करके दिखाना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले log का करते हैं, log x का क्या होता है 1 upon x, तो dy by dx इक्वल टू आ गया 1 by sec x प्लस 10x। फिर sec x का क्या होता है sec x 10x प्लस 10x का क्या होता है sec square x। तो ये इसका आंसर है, ऊपर इसमें से sec x कॉमन आ रहा है, sec x कॉमन आके बचेगा sec x प्लस 10x, वो इसे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो ओनली क्या आएगा sec x आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से अपनी ये अपनी 17.7.1 खत्म होती है एक्सरसाइज, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।